Hey guys, it's me Swati here. So guys, आज का मेरा वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं क्रिएट करने वाली हूँ मेरा ये लुक जो कि है एक न्यूड सा जो कि है एक न्यूड लुक विच यू कैन क्रिएट इन एनी यू नो पार्ट सकते हैं. इट्स अ कम्प्लीट यू नो यू कैन सी न्यूड लुक. बहुत ज़्यादा मैंने कुछ भी यू नो ब्राइट शेड्स फॉर एनी थिंग आई हैव नॉट यूज. ना ही मैंने आई शेडो कोई ब्राइट शेड यूज़ किए हैं और ना ही मैंने लिप्स कोई ब्राइट शेड यूज़ की है. मैंने अपने बिकॉज मेरी ड्रेसेस यू नो काइंड ऑफ अ पार्टी ड्रेस तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही अपना लुक क्रिएट किया है. तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है. And please share with your friends and hit that like button and subscribe my channel. So let's start the video. तो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ ये लैक्मे का मॉइस्चराइजर. तो मैं ये मॉइस्चराइजर लेके अपने पूरे फेस पर लगाऊंगी. जब हम मेकअप अप्लाई करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई द मॉइस्चराइज़र बिकॉज हमारी स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है. अगर हम अपनी स्किन को हाइड्रेट नहीं करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे स्किन को काफ़ी ख़राब कर सकते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई फर्स्ट अ मॉइस्चराइज़र. मैंने बस अपना फेस को क्लीन किया हुआ है और उसके बाद आई एम अप्लाइंग माई मॉइस्चराइज़र. तो आई एम डन विद माई मॉइस्चराइज़र एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी वो है मेरी स्किन के लिए ये प्राइमर. तो हियर आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी प्राइमर जिसे मैं बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी में लूँगी और इसे अपने ओपन पोर्स पे अप्लाई करूँगी. एज यू कैन सी ऑन माई दीज पॉइंट्स जहाँ पे जनरली हमारे पोर्स ओपन होते हैं. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अप्लाई ऑन माई ओपन पोर सो दैट वो पोर्स मेरे फिल हो जाएंगे और आपको एक स्मूथ बेस मिल जाएगा टू अप्लाई योर मेकअप. सो नेक्स्ट चीज जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो है मेरा ये फाउंडेशन. यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेरा मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन जहाँ पे मेरा शेड है 130. तो इसे भी मैं अपने हैंड पर लूँगी और इसे डॉट डॉट करके मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी लाइक दिस. और अब मैं इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी जो कि मैंने ऑलरेडी वाटर में डैप किया हुआ है एंड यू कैन सी द साइज ये ऑलरेडी काफ़ी अपने साइज से डबल हो गया है. और मैं इस फाउंडेशन को पूरा ब्लेंड कर लूँगी. कल से हमें जब भी फाउंडेशन अप्लाई करना है एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी नहीं अप्लाई करनी चाहिए अदरवाइज़ आपको पता नहीं चल पाएगा कि इसका कवरेज कितना मिल रहा है. तो हमें स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना चाहिए पहले फर्स्ट लेयर देन सेकेंड लेयर अगर नीड है देन नेक्स्ट लेयर. तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे प्रॉपर कवरेज नहीं मिली है तो आई विल बी यूजिंग सम मोर प्रोडक्ट टू गेट अ गुड कवरेज. एज यू कैन सी कि मेरा जो सेकेंड लेयर ऑफ फाउंडेशन है इससे मुझे काफ़ी अच्छी जो मुझे कवरेज रिक्वायर्ड है ये कवरेज मिल गई है. तो अब मैं थर्ड लेयर ऑफ फाउंडेशन नहीं अप्लाई करूंगी. So now it's time to apply some contour to do the contouring of my face. So उसके लिए मैं अगेन अपना
बेस्ट कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ, फेवरेट कॉन्टोर स्टिक विच इज़ फ्रॉम nybae. इट इज़ सुपर इन क्वालिटी एंड सुपर अफोर्डेबल गाइस. तो आपने मेरे पहले भी purple.com के जो मैंने अपना एक रिव्यू किया हुआ था purple.com के प्रोडक्ट्स का, उसमें आपने देखा होगा nybae के कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए थे. तो यू कैन चेक आउट इट देयर एंड नाउ आई विल अप्लाई इट ऑन माई फेस. थोड़ा सा नोज पे, कि हमें नोज को भी एक अच्छा सा शेप देना होता है, थोड़ा सा चिन पे. That's it. And now I will again blend it with my blender. गाइस अपनी नोज़ के लिए मैं अपना ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ. So I am done with my contouring now. And now guys, after doing my entire face, it is time to do my eye makeup. तो सबसे पहले मैं eye makeup के लिए अपने under eye पे थोड़ा सा loose powder place कर रही हूँ. So whatever you know eye shadow I'll be applying, उसका जो भी थोड़ा बहुत fallout होगा वो मेरे फेस पे ना आके उस लूज पाउडर पे आएगा और जिसे मैं बाद में रिमूव कर दूंगी. तो आई एम टेकिंग दिस लूज पाउडर ऑन माय ब्यूटी ब्लेंडर एंड आई एम प्लेसिंग इट हियर. एज यू कैन सी, सो इसका बेनिफिट बेसिकली यही है गाइस कि आपका जो आई शेडो का फॉल आउट है वो आपके फेस पे नहीं आएगा डायरेक्ट, और वो इस पाउडर पे आएगा जिसको आप एक ब्रश की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं बाद में. ओके, तो नो आई विल स्टार्ट माय आई मेकअप. तो सबसे पहले आई मेकअप के लिए गाइज आपको करना क्या है, आपको एक ऐसा टेप लेना है या आप कोई भी टेप यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने इस एरिया पे अप्लाई करेंगे सो दैट यू कैन गेट अ प्रॉपर एज और द शेप ऑफ योर आई शेडो. तो सबसे पहले मैं इस टेप को अप्लाई करूँगी. लाइक दिस. तो मैंने आप देख सकते हैं अपना टेप अप्लाई कर लिया है और अब मैं अप्लाई करूंगी अपना आई शेडो. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ ये मेरा ग्लैम 21 का आई शेडो पैलेट, जिसमें क्योंकि मैंने एक न्यूट मेकअप क्रिएट कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्मोकी या बोल्ड आइज़ नहीं चाहिए, बहुत ही सटल सा मुझे मेकअप करना है और आई शेडो अप्लाई करना है. तो मैं यहाँ पर ये शेड अप्लाई करूँगी on my eyes. और इसे मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई करूंगी. बहुत ही लाइट कलर्स का इसमें यूज करूंगी अपनी आईज पे, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी कोई भी कलर, बहुत डार्क कलर्स मैं यूज़ नहीं करूँगी.
एंड एक्सेस प्रोडक्ट हमने डैप करना है, देन इसे अगेन क्रीज पे अप्लाई करना है. सो एज यू कैन सी, मैंने ये जो आई शेडो अप्लाई किया है ये सिर्फ अपनी क्रीज पे अप्लाई किया है. एंड यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट शेड जो मैं ले रही हूँ वो मैं ये शेड ले रही हूँ, उसी के जस्ट नीचे मैं अप्लाई करूँगी अपना ये शेड और इसके साथ इसे ब्लेंड कर लूँगी. और गाइस हमें इसको इस तरीके से अप्लाई करना है सो दैट आपके दोनों शेड्स के बीच में कोई भी हार्श लाइन ना रहे और दोनों शेड्स आपस में अच्छे से मर्ज हो जाएंगे. एज यू कैन सी, मेरे दोनों शेड्स अच्छे से मर्ज हो गए हैं आपस में. So next what I'll be doing, I'll be taking the same shade and I'm taking this, you know, flat brush जिसको मैं अपने lower lash line पे apply करूँगी same shade को. Just dab the excess product and then I will apply it on my lower lash line. So I have applied this on my lower lash line also with the help of one angle brush. Okay guys, so now what I'll be doing, I'll be taking one pointed brush. Now I am taking this pointed brush, you can see, और इस सेम पैलेट से मैं ये वाला शेड लूँगी और इसे अपने इनर कॉर्नर्स पे, इनर वी पे थोड़ा सा प्लेस करूँगी बस. सो ये मेरी आईज़ को थोड़ा सा इन्हेंस करेगा, आईज़ के मेकअप को, आई के मेकअप को आप देख सकते हैं. मैं इसे थोड़ा सा बस प्लेस कर रही हूँ जो कि मेरी आईज़ के शेप को इन्हेंस करेगा. ओके, दैट्स इट. और अब जो नेक्स्ट चीज़ मैंने अप्लाई करनी है वो है मेरा ये मेबलिन का हाइपर ग्लॉसी लिक्विड आईलाइनर, जिससे मैं एक विंग क्रिएट करूँगी. So you can see guys, मैंने अपना आईलाइनर अपने एक आई पे अप्लाई कर लिया है. And now I will apply on my other eye.
सो गाइस जैसे ही आपका लाइनर अप्लाई हो जाएगा आपने ये टेप को रिमूव कर देना है विद वेरी स्लोली. एंड आप देख सकते हैं ये जो शेप आया है दिस इज बिकॉज ऑफ दिस टेप. अगर आपको ये प्रॉपर लाइक इफ यू आर अ बिगिनर लाइक मी और आपको प्रॉपर आई शेडो अप्लाई करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन प्लेस दिस टेप एंड यू कैन गेट द प्रॉपर शेप ऑफ योर आई शेडो. सो यू नो इट्स अ ट्रिक राइट. सो जो नेक्स्ट चीज़ मैं अप्लाई करने जा रही हूँ वो है मेरा ये एन वाई बेका गोल्ड काजल. यू कैन सी दिस इज फ्रॉम एन वाई बे और इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी. So I'm done with this and now what I'll be doing, I'm not using any falsies here. तो मैं यहाँ पे अपना ये मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरी लैशेज को थोड़ा सा फॉल्सीज का लुक देगा. और इसे मैं अपने लोअर लैशेस पे भी अप्लाई करूंगी. सो एज यू कैन सी मैंने अपना मस्कारा भी अप्लाई कर लिया है एंड गाइज नाउ इट इज़ टाइम टू रिमूव दिस लूज पाउडर जो कि हमने अप्लाई किया था कि हमारा जो भी फॉल आउट होगा आई शेडो का उससे बचने के लिए राइट. तो अब मैं इसे रिमूव कर दूंगी बिकॉज वी आर डन विद आवर आई मेकअप. ओके सो गाइस ये आपको अंडर आई को थोड़ा सा हाईलाइट करने में भी हेल्प करेगा और आपको आपके आई शेडो के फॉल आउट से भी बचाएगा राइट. सो इसके ड्यूअल बेनिफिट हैं. ओके एंड नाउ आई विल बी अप्लाइंग दिस यू नो आई एम हैविंग दिस ब्राउन जेल लाइनर जिसको मैं एज अ प्रोमेड यूज़ करूँगी अपनी ब्राउज को फिल करने के लिए. तो मैं एक ये फ्लैट एंगल ब्रश ले रही हूँ और इसमें बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी मैं इस जेल लाइनर की लूँगी जिसको मैं अपनी ब्राउज पे अप्लाई करूँगी. ओके गाइस हमने बहुत ज़्यादा जब भी आप ब्राउज अपने फिल कर रहे हैं तो हमने बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं फिल करना चाहिए वरना वो एक यू नो ड्राइंग सी लगती है आर्ट सी लगती है आपके आईब्रोज पे. तो व्हाट यू हैव टू डू यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ इल्यूजन ऑफ योर हेयर्स लाइक ब्राउ हेयर्स. तो हमने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना है कि दीज आर एक्चुअली आर हेयर्स. तो हमने जस्ट उसकी जैसे ही थोड़े थोड़े से वेरी यू नो माइन्यूट लाइन्स क्रिएट करनी है सो दैट लगे कि वो आपके नेचुरल ब्राउज हैं. ओके तो
as you can see, and now I'll be doing this for my another brow. और अब आप देख सकते हैं मैंने इसको अपनी इससे अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है और अब मैं इसे एक स्पूली ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा शेप दूंगी. और अब मैं अपने चीक्स को थोड़ा सा शेप और शेप देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये 3D कॉन्ट्रोलिंग मिस गोल्ड का 3D कॉन्ट्रोलिंग पैलेट, जिसमें से मैं ये वाला शेड ही लूँगी और इसे मैं अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी ब्लश ऑन करने के लिए. And now I'll be doing the highlighting of my cheekbone and some high points. So here I'm using this Glam 21 Pro HD Shimmer Brick, जिसमें से मैं ये वाला shade लूँगी और इसे मैं अपने cheekbone पे apply करूँगी. This is a super pigmented brick, जिसको आप अपने cheekbone पे अगर apply करेंगे तो you will actually see the result. ये आपके हाई पॉइंट्स को कितने अच्छी तरीके से हाईलाइट करेगा. मैं बहुत थोड़ा सा अपने नोज पे अप्लाई करूंगी. थोड़ा सा अपने क्यूपिड बो पे to the last step of this makeup, which is our lips. So यहाँ पे मैं use कर रही हूँ मेरा ये matte makeup, एक nude सा shade, जिसको मैं अपने lips पे apply करूँगी. So guys, this is amazing lipstick. You should definitely try. This will give you a proper matte shade. और इसके ऊपर मैं अपना थोड़ा सा और guys इसके ऊपर मैं अपना थोड़ा सा ये इन कलर का again it is in matte texture. इसका मैं अपना थोड़ा सा एक ये shade apply करूँगी just to give it a more nude look. ब्रश बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करना है तो मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ. So yes guys, this is my final look, you can see.
मैंने कोई बहुत ज़्यादा आई शेडो नहीं अप्लाई किया है बिकॉज इट इज़ अ न्यूड शेड. इट इज़ अ यू नो कॉकटेल पार्टी काइंड ऑफ लुक जिसको आप किसी भी यू नो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी और यू नो फैमिली गेट टुगेदर जिसमें आप जा रहे हैं तो यू कैन जस्ट क्रिएट दिस लुक. अब मैंने सिर्फ एक न्यूड शेड ऑफ लिपस्टिक अप्लाई किया है और एक जस्ट न्यूड सा यू नो वेरी ऑरेंज काइंड ऑफ शेड मैंने अपने आईज पे अप्लाई किया है. आई जस्ट क्रिएटेड दिस विंग और बहुत थोड़ा सा अपने चीक्स को हाईलाइट किया है. तो गाइस यू कैन ऑल्सो क्रिएट दिस लुक. होप ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप टू माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो बाय.